Oh no! मारियो खेलते खेलते कैंडी खाने का मजा ही कुछ और है। बिटवा, ओ बिटवा, कितनी देर से बुला रही हूँ, तेरे कान में जून तक नहीं रेंगती, क्या कर रहा है तू इतनी देर से? ओह नो, अरे ग्रैनी बिना तंग कर देती है। चलो बाकी कमरों की तो सफाई हो गई, अब बिटवा का कमरा भी साफ कर देती हूँ। बिटवा बाहर निकल, मुझे तेरे कमरे की सफाई करनी है। ओह नो, अरे मैंने कैंडी खा के सारे रैपर्स यहाँ पर ही फेंक दिए। ग्रैनी आएगी तो मुझे बहुत मारेगी। बिटवा, लगता है ग्रैनी आ रही है। अरे कहाँ चला गया? अरे ये क्या, बिटवा ने कमरे में कितनी गंदगी फैला रखी है। बिटवा, आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बिटवा आज तो तू गया। अरे क्या करूं, इन लोगों का चैन से हगने भी नहीं देते। अरे ग्रैंडपा, आह बड़े दिनों बाद खुलकर आई है। बेटा खुद पता नहीं कहां चला गया। और ये क्या, जब देखो मारियो गेम खेलता रहे है। अरे मैं भी तो इस गेम को खेल के देखूं। बहुत देर हो गई है, अब तक तो ग्रैनी मेरे कमरे से सफाई करके चली गई होगी। अब वापस से जाकर मारियो गेम खेलता हूँ। अभी तो कमरे की सफाई नहीं हुई। जरूर ग्रैनी मुझे कूटने के लिए ढूंढ रही होगी। ओह नो, बिटवा। हाँ ग्रैंडपा, जल्दी नीचे आ। आया, लगता है दोनों मिलकर मुझे कूटने वाले हैं। हाँ ग्रैंडपा। बिटवा तेरी ग्रैनी कहीं नजर नहीं आ रही, बाहर गई है क्या? ग्रैनी, ग्रैनी तो घर पर ही है। घर पर है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही, कहीं बाहर तो नहीं चली गई? ऐसे कैसे हो सकता है ग्रैंडपा, ग्रैनी तो कहीं भी हमें बिना बताए नहीं जाती। तू सही कह रहा है, लेकिन फिर वो गई कहाँ? मैं तो खामखा डर रहा था। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। ग्रैंडपा अगर ग्रैनी घर पर नहीं है तो ग्रैनी गई कहाँ? मुझे क्या पता, मुझे बता कर गई है क्या? अरे ये मैं कहाँ आ गई, कैसी अजीब सी जगह है। अरे ये क्या, इतने बड़े बड़े डब्बे हवा में उड़ रहे हैं और इनमें एक क्वेश्चन मार्क क्यों बना हुआ है? अरे ये मशरूम मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? ओह नो, बिटवा बचाओ। अरे ग्रैनी पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं मेरी वजह से ग्रैनी नाराज तो नहीं हो गई? ओह नो, अरे नहीं नहीं, इतनी छोटी बात को लेकर ग्रैनी घर छोड़कर थोड़ी जाएगी। जरूर इस बुढ़ो ने कुछ किया होगा। ग्रैंडपा आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ग्रैनी घर छोड़कर चली गई? क्या बोला? मेरा मतलब है ग्रैंडपा, आपकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है ना, तो क्या पता आपने कुछ ऐसा किया जिससे ग्रैनी नाराज हो गई हो। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज सुबह ही हम दोनों प्यार भरी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, और तो और तेरी ग्रैनी ने मुझे जोरदार चुम्मा भी दिया था। और तू मुझ पे क्या उंगलियां उठा रहा है, तू क्या कोई दूध का दूल्हा है? आया बड़ा। ओह नो, अगर कहीं जाना था तो हम दोनों में से किसी को बताकर जाती, सुबह से पता नहीं कहाँ गायब है। वही तो ग्रैंडपा, ग्रैनी कहाँ चलेगी ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ग्रैनी बाहर जाती तो अपना फोन भी तो लेकर जाती, ग्रैनी का फोन तो उनके कमरे में पड़ा है। अरे याद आया, मॉल में तो 70% सेल लगी है, जरूर बुढ़िया वहीं गई होगी। करेक्ट, सेल के लिए तो लेडीज अपने पति और बच्चों को भी भूल जाती है। अरे पता नहीं मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी, भूख के मारे बुरे हाल हो रहे हैं। 3-4 मशरूम तो मैं दबा भी चुकी हूँ, जब तक बाहर नहीं निकलूंगी ना तब तक इन्हीं मशरूमों से काम चलाना पड़ेगा। अरे आंटी इतनी परेशान क्यों हो? अरे मारियो, अरे वाह आप मुझे जानती है? हाँ हाँ, तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम तो सुपर मारियो हो। क्या बात है आंटी, आप इतनी देर से गेम क्यों नहीं खेल रही, एक जगह पर क्यों अटकी हो? क्योंकि मुझे गेम खेलना नहीं आता, कहीं मैं किसी गेम के राक्षस का शिकार ना बन जाऊं। अरे इस गेम को तो मैं अब तक अनगिनत बार खेल चुका हूं, आप भी इस गेम को खेलकर मजे कीजिए। बिटवा बाबू तुम कहाँ हो?
और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। क्या बात है भैया जी, आज इतने गुमसुम काहे नजर आ रहे हैं? मगरू भाई, कल से ग्रैनी घर नहीं आई है। ग्रैनी यहाँ पर है क्या? नहीं भैया जी, काकी जी यहाँ नहीं है। उनको फोन वाला लगाइए, पता चल जाएगा वो कहाँ है। अरे कहाँ से करें मगरू भाई, ग्रैनी का फोन भी घर पर है। ओह नो, यहाँ तो कि ग्रैनी की फ्रेंड्स और सारे रिश्तेदारों से भी पूछ लिया है, ग्रैनी उनके घर पे भी नहीं है। भैया जी, आपके घर के नीचे जो पिसाचिनी रहती है एंजेलिन, वो काकी जी को किडनैप कर खा तो नहीं गई? तनिक जाकर चेक कीजिए। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मगरू भाई, चलो मैं चलता हूँ। ओके भैया जी, सी यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ग्रैनी तो एंजेलिन आंटी के अड्डे पर भी नहीं है। ओह नो, अरे ग्रैनी गेम के अंदर क्या कर रही है? ग्रैनी, अरे आप गेम के अंदर क्या कर रहे हो? ग्रैनी, क्या आप मुझे सुन पा रही हो? ओह नो, ग्रैनी तो मारियो गेम के अंदर चली गई है। तभी मैं सोच रहा था कि ग्रैनी बिना बताया मैं कहां चली गई, क्योंकि ग्रैनी मेरे साथ अपने सारे प्लान शेयर करती है। ग्रैनी, क्या हुआ ना समझ लड़के, क्यों चिल्ला रहा है? यहाँ मेरी बेबी नहीं मिल रही और तुझे अपनी पड़ी है। ग्रैंडपा, ग्रैनी मारियो गेम के अंदर चली गई है। क्या? अरे जल्दी कुछ कर, उसे गेम से बाहर निकाल। हाँ ग्रैंडपा। फिकर मत करो ग्रैनी, आपका बिटवा अभी आपको इस गेम से बाहर निकालेगा। अरे मैं तो खुद ब खुद चलने लगी। ग्रैनी ये मैं हूँ, मैं आपको चला रहा हूँ। अरे मैं तो ऊपर पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। अरे ओह नो, भागा। वेरी गुड ग्रैनी, अरे से खा लेती हूँ। अरे वाह, मैं तो लंबी हो गई। ऊपर जाती हूँ। अरे से बर्गर क्यों नहीं आया? ग्रैनी से बच के। अरे मशरूम। अरे बचाओ, संभाल के ग्रैनी। तेरी तो ये ले, ये भी ले। अरे वाह, मैं तो इस गेम में चैंपियन हो गई हूँ। अरे ग्रैनी ज्यादा हवाओं में मत उड़ो, मैं आपको चला रहा हूँ। अरे कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। वेल डन ग्रैनी, अब आया ना मजा। अरे वाह, मैं तो प्रो प्लेयर निकली। चलो ये पड़ाव तो मैंने पार कर लिया। अरे वाह, ये क्या है, इसे छू कर देखता हूँ। अरे बचा। ओह नो, अरे ये किसके गिरने की आवाज आई? ओह नो, अरे ग्रैंडपा भी गेम के अंदर चले गए। Oh my God, what is this? हाँ बाबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मैंने निकाला है, इसे मत खाना। जाने मन, तुम्हें पता है बिटवा तुम्हें रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। अरे ग्रैनी कम थी, जो ये बुढ़ाऊ भी इस गेम में चला गया। बाबू तुम इस गेम में अनाड़ी हो और मैं खिलाड़ी। अरे कहाँ चली गई? ऊपर है क्या? अरे अरे वाह बर्गर। बुढ़ाऊ मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। अरे तुम कितनी छोटी हो, मैं तुमसे कितना लंबा हो गया। ज्यादा दांत मत निकाल, तेरे दांत तोड़ दूंगी। ग्रैंडपा, कम ऑन फॉलो मी। हाँ चलो। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अरे बाप रे, ये चमगादड़ कौन है? उस गिफ्ट को खाकर देखती हूँ। अरे मैं तो छोटी हो गई। जानू ये तुम क्या कर रहे हो? अब देख मैं तेरी कैसे बैंड बजाता हूँ। मैं तो बॉक्सिंग का चैंपियन हूँ, आजा कर लेते हैं दो दो हाथ। अरे कहीं ग्रैंडपा लपेटे में ना जाएं। ओह नो, तुम मुझसे लड़ेगा बुड्ढे? ये ले, ये ले, और ये भी ले। मैं हार मानती हूँ। वाह बेबी, तुमने तो कमाल कर दिया।
अरे वाह ग्रैंडपा, यप्पी। चलो जाना, अब इस गेम से बाहर निकलते हैं। चलो। देखती हूँ इसमें से क्या निकलेगा। अरे इसे तो रिमोट निकला है। अरे वाह, मैंने ग्रैनी ग्रैंडपा को बचा लिया। लाओ इसका बटन दबाकर देखते हैं। ग्रैनी ग्रैंडपा बाहर आ रहे हैं। ग्रैनी ग्रैंडपा, बाबू, लव यू स्वीटी। बेटवा तूने मुझे बचा ही लिया, थैंक यू। हाँ ग्रैनी, लेकिन आगे से मेरी कोई भी चीज को बिना पूछे हाथ मत लगाना। क्यों? क्योंकि आप मुसीबत में पड़ सकती हो ग्रैनी, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी मुसीबत में पड़ो। ओ, लेकिन ये सब हुआ है क्योंकि तूने अपने कमरे में कचरा फैलाया हुआ था। ओह नो, अगर कमरे में कचरा ना होता तो मैं रिमोट को हाथ ना लगाती, रिमोट को हाथ ना लगाती तो मैं गेम में ना पहुंचती। ये सब तेरी वजह से हुआ है बिटवा। इतनी बार कहा है कि कचरा डस्टबिन में फेंका कर और अपने रूम में सफाई रखा कर, तेरी तो। हाय गाइस, तो फटाफट से मोहकमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ग्रैनी को सुपर मारियो के रूप में देखकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।